हाय एवरीवन, आप सबका अपने चैनल पर स्वागत है। नीट यूजी 2024 वाले बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट गुड न्यूज के रूप में हम इसको कह सकते हैं कि जैसा कि आप सब अच्छी तरह से जान रहे थे कि इस बार जो जैसे 2023 का एग्जाम कंडक्ट खत्म हुआ और एक बाजार जो है गर्म हुआ कि नीट का एग्जाम जो है एनटीए कंडक्ट नहीं करेगी, तो एक तरह से ये बात भी पिक्चर क्लियर हो गया है कि एनटीए एग्जाम कंडक्ट नहीं करेगी। इसके लिए एक स्पेशल बोर्ड का गठित किया जा रहा है जिसका नाम है, बोर्ड का नाम है आपको जीएपीएक्स बोर्ड। जी हाँ, जी का एग्जाम एनटीए जो एग्जाम कंडक्ट करती थी, जी एंड नीट और एनआईटी वगैरह सभी का एग्जाम जो आप कंडक्ट करेगी वो जीएपीएक्स बोर्ड करेंगे, जिसमें जो मेंबर होंगे वो पूरा लिस्ट जो है आप ऑन द स्क्रीन देख सकते हैं कि बच्चे पूरी तरह से स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टोटल है 19 मेंबर बनाया गया, जिसमें कि सीबीएसई के है, आईआईटी मुंबई है, आईआईटी ग्वालियर है, आईआईटी मद्रास, रुड़की, सरायकेला, हैदराबाद, आईआईटी लखनऊ, आईआईटी ग्वालियर और साथ ही साथ जो है इसमें चेयरमैन ऑफ द सीबीएसई को भी रखा गया है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सी डैट को भी रखा गया। अगर आप देख रहे हैं तो ये भी मौजूद है और साथ ही साथ अगर बात करें तो डायरेक्टर जनरल ऑफ द सी डैक और डायरेक्टर जनरल एनआईएसी ये भी इसमें इंक्लूड है, डायरेक्टर जनरल ऑफ एनटीए को भी रखा गया है। यानी कि यहाँ पर इस एक जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वाले वेबसाइट पर जो डाला गया है, जो कि आप ऑन द स्क्रीन देख सकते हैं, मैंने यहां से डाउनलोड किया, आप भी इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। आप बहुत अच्छी तरह से डाउनलोड कीजिए इसको और डाउनलोड करने के बाद देखिए इस तरह का एक पेज खुल जाएगा जहां सारी डिटेल आपको मिल जाएगा। अब ये सवाल आता है कि देखिए सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या इस बार एग्जाम अगर अदर बोर्ड कंडक्ट कराती है तो क्या एग्जाम का लेवल क्या होगा, क्या एग्जाम टफ होगा, एग्जाम इजी होगा, क्या होगा, ये अब आप इसके मामला में अब आप फंसने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर पहले बार आपको क्लियर कर दूं बच्चे कि एग्जाम जो है इस बार बहुत ही अच्छा आएगा, क्योंकि सिलेबस जो है आपको रिड्यूस किया गया है और जो भी क्वेश्चन आएंगे, अक्सर आता था कॉन्सेप्ट बेस पर क्वेश्चन आता था, उसी प्रकार से कॉन्सेप्ट बेस पर क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आएगा, आप सारे सॉल्यूशन आसानी से कर पाओगे। इसलिए इसको लेकर आप पैनिक होके इधर उधर होके टाइम वेस्ट ना करो, आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करना है, प्रिपरेशन ऐसा करना है कि जिसमें अच्छे मार्क्स आपको आ जाए। दूसरी बात मैं आपको एक बार बता दूं कि देखिए अब ये सवाल आता है कि क्या एनटीए का कोई रोल नहीं होगा। देखो सवाल यहाँ पर बहुत से सवाल अभी बहुत उठेंगे और उन सवालों का जवाब जो है आपको इस चैनल पे भी मिलता रहेगा। सबसे पहली बात बता दो, मुसीबत एग्जामिनेशन जिसका डेट जब नीट का डेट का एग्जाम का जब डेट क्लियर किया गया वो एनटीए के वेबसाइट पर और सिलेबस एनएमसी के वेबसाइट पर आया गया, तब इसी वक्त एक सुदबुक्स तैयार हो गई थी कि इस बार हो एनटीए एग्जाम कंडक्ट हो सकता है नहीं करेगी, लेकिन अदर बोर्ड अब तैयार हो रहा है पूरी तरह से। देखिये जी एपेक्स बोर्ड का काम है क्वेश्चन को बनाना, क्वेश्चन को सेंटर तक प्रोवाइड करना, यहां तक कहा गया। अब क्या अदर बोर्ड आएगा जो कंडक्ट एग्जाम को कराएगी, ये अभी बाकी है, ठीक है, इस पे अभी क्लियरेशन नहीं हुआ है। लेकिन एनटीए का रोल होगा एप्लीकेशन फॉर्म भराना, एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट करवाना, एनटीए के एपेक्स एनटीए को जो है करेक्शन कराना, साथ ही साथ जो है एडमिट कार्ड रिलीज करना, ये सब और सॉफ्टवेयर को भी प्रोवाइड करना एपेक्स बोर्ड को, जी एपेक्स बोर्ड को और अदर कंडक्ट बोर्ड को सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करवाना, यानी प्रोवाइड करवाने का जिम्मेवारी किसको है, ये अभी एनटीए को रोल है। या एनटीए भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है नीट के एग्जाम को लेकर, क्योंकि बहुत तरह के सवाल एनटीए पर उठ रहे थे इन दिनों, बहुत तरह के एग्जामिनेशन को लेकर बहुत तरह से चोरियां होती थी या बहुत तरह के ऐसे मामला हो रहा था क्वेश्चन पेपर आंसर को लेकर, बहुत सी ऐसी सी बातें उठ रही थी जिसको लेकर सरकार ने एक नया कदम उठाया है कि अब नीट और जी वगैरह का एग्जाम, एनआईटी के एग्जाम वगैरह जो है वो एपेक्स बोर्ड गई है। आने वाले दिनों में सही अपडेट के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखो बच्चों, और मैं यही कहूंगा कि अगर नीट की सही से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी को जो सिलेबस बता रहा है एनएमसी उसको आप पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।